नमस्कार दोस्तों, नेहाज कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव। पाव बनाने के लिए इसमें हमने ना तो ईस्ट यूज़ किया है और इसे बिल्कुल इडली स्टैंड में पकाया है। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करनी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा। मैदा मैंने यहाँ छान के ले लिया है। इसके साथ ही हम लेंगे 1/2 कप मिल्क और इसके साथ ही हम लेंगे 3 चम्मच दही। दही की जगह आप नींबू और सिरका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे हम 1 किलो का पाउच और इसके साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच पीसी हुई चीनी। अब सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम अपना मिल्क ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच दही। दही की जगह आप इसमें नींबू यूज़ कर सकते हैं। नींबू हमें लेना है तो आधा लेना है और अगर सिरका भी लेना है तो हमें 1/2 चम्मच लेना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये दूध हमारा थोड़ा सा फट जाए। और अब हम लेंगे एक बॉल में 1 कप मैदा। यहाँ हम यीस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और हम इसे इडली स्टैंड में बनाएंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी एंड 1 पाउच इनो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध जिसमें हमने कर्ड ऐड करी थी। धीरे धीरे हमें सारा दूध ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी तरह का कोई लम्प्स ना रहे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे एक फ्लैट सरफेस पे लेंगे और अपनी हथेलियों से अच्छे से मलेंगे, लेकिन हमें एक जेंटल इसमें इसको जेंटल तरीके से मलना है ताकि इसे ज़ोर से नहीं हमें करना। अब हमने इसे अच्छे से इसका एक डो बना लिया है, इसको अच्छे से मल लिया है। और अब हम लेंगे एक इडली स्टैंड जिसको हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी नमक इसके तले पे और हम इसे प्री हीट करने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। इसके साथ ही हम अपने जो डो है उसकी 4 बॉल्स बना लेंगे और हमें अच्छे से इडली स्टैंड की प्लेट को अच्छे से ग्रीस करके ऑयल से, उसके बाद हम अपने इसमें जो हमने बन बनाए हैं वो रख देंगे और उसे अच्छे से हम दूध से ग्रीस कर लेंगे। हमें इसमें ऑयल और बटर का यूज़ नहीं करना है ग्रीस करने के लिए ऊपर से, क्योंकि ये टाइट बन जाएंगे अगर हम ऑयल और बटर का यूज़ करेंगे तो। हमें दूध से ऊपर से इसको ग्रीस करना है और अब हम इसे इडली स्टैंड में लो फ्लेम पर रख देंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे तो ये हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और हम इसे चेक करेंगे 20 मिनट बाद। ये तैयार हैं हमारे बन, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पे हल्के से क्रैक्स भी आए हैं क्योंकि हमने ईस्ट का यूज़ नहीं किया है। अगर हम ईस्ट का यूज़ करेंगे तो इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। और हम इसे निकाल के ठंडा होने देंगे और इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे इसकी सरफेस पे। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, इसे हमने कट किया है। ये बहुत ही अच्छे पके हैं अंदर से, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।